वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस एंड जॉब्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अपकमिंग एग्जाम्स ये एम्स में नहीं अदर एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाले हैं सो so, पहला क्वेश्चन है द आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन अ डेड बॉडी इज़ फ्रॉम रेक्टम सो आइडियल टेम्परेचर जो आइडियल प्लेस है रिकॉर्ड करने का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने का आइडियल प्लेस डेड बॉडी में कौन सा होता है रेक्टम के थ्रू ही जो एक्यूरेट टेम्परेचर है डेड बॉडी का वो चेक करते हैं नेक्स्ट है अनिमा सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए तापमान क्या होना चाहिए अनिमा सोल्यूशन का वो है एडल्ट में एक सौ पाँच डिग्री फेरनाइट और अठानवे पॉइंट छः डिग्री फेरनाइट चाइल्ड में जो है वो सल्यूशन टेम्परेचर होना चाहिए सल्यूशन का टेम्परेचर होना चाहिए कि कौन से सल्यूशन का अनिमा के सल्यूशन का टेम्परेचर होना चाहिए नेक्स्ट है कि इंसुलिन सक्रीशन फीटस में कब बननी शुरू हो जाती हैं सात मंथ के जो फीटस है उसमें इंसुलिन इंसुलसुलशंस स्टार्ट बननी शुरू हो जाती हैं सो सक्रीशंस बननी कब शुरू होती हैं सात मंथ में तो ये द फर्स्ट साइन ऑफ मिट्रल वाल प्रोलैप्स कौन सा है मिट्रल वाल प्रो का पहला साइन जो है सिग्नल वो क्या है वो है मिट्रल क्लिक मिट्रल क्लिक जो है वो फर्स्ट साइन ऑफ मिट्रल वाल प्रोलैप्स का है फर्स्ट साइन ऑफ मिटर वॉल प्रोलेप्स इज मिटरल क्लिक सो यूथेंसिया क्या है यूथेंसिया इज़ अ पुटिंग इन टू अ पेनलेस डेथ क्या होता है कि जब लास्ट uh, स्टेज आ जाती है कि कोई भी मतलब uh, बचने वाला तो नहीं होता तो उसको क्या करते हैं पुटिंग इनटू अ पेनलेस डेथ सो पेनलेस डेथ में डाल देते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूथेंसिया यूथेंसिया इज़ पुटिंग इन टू अ पेनलेस डेथ नेक्स्ट है कि इम्यूनाइजेशन में जो है नोज़ ड्रॉप वैक्सीन कौन सी होती है जो कौन सी वैक्सीन होती है जो नोज़ के थ्रू डाली जाती है नोज़ के थ्रू जो ड्रॉप्स डाली जाती हैं वो है इन्फ्लुंज़ा वैक्सीन इन्फ्लुज़ा वैक्सीन इज़ अज़ ड्रॉप वैक्सीन सो so, पांच वाइटल साइन तो हमें पता ही है कौन से हैं पहले टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर सो so, सिक्स कौन सा वाइटल साइन है कौन सा है पेन पेन इज़ अ सिक्स वाइटल साइन नेक्स्ट है कार्डिनल वाइटल साइंस क्या है कार्डिनल वाइटल साइंस में मैंने एक याद रखने का फॉर्मूला बनाया है टी पी आर बॉस टी पी आर बॉस टी पी आर में टी में टेम्परेचर होगा पी में पल्स होगा आर में रेस्पिरेशन होगा बी में ब्लड प्रेस प्रेशर होगा और ओ में होगा ऑक्सीजन और एस में सेचूरेशन सो इंसर्ट द कैथेटर इन रेक्टम रेक्टम में कैथेटर इंसर्ट करने के लिए कितनी जो है कैथेटर को कितना ऊंचा रखा जाता है सो so, एडल्ट में तीन तीन से चार इंच रखा जाता है एडल्ट में तीन से चार इंच रखा जाता है नेक्स्ट हाइपरपेरेक्सिया क्या है हाइपरपेरेक्सिया क्या होता है कि जब फीवर ज़्यादा हो जाता है उसको हाइपर पैरेक्सिया कहते हैं कितना होगा हाइपर पैरेक्सिया में टेम्परेचर हाइपर पैरेक्सिया में टेम्परेचर क्या हो कितना होगा वन फिफ्टी डिग्री फैरनाई वन फिफ्टी डिग्री फैरनाई जो है हाइपर पैरेक्सिया में टेम्परेचर होगा नेक्स्ट क्या है कि टेटन टेटनस इंजेक्शन कब लगता है प्रेग्नेंट वूमेन को सो so, पहले फर्स्ट डोज जो है अर्ली प्रेगनेंसी में दी जाती है सेकेंड डोज आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस तो पहली डोज के महीने बाद दूसरी डोज टेटनस की दी जाती है पहली डोज़ के महीने के बाद दूसरी डोज टेटनस की दी जाती है सो so, डोज अमाउंट क्या होगी डोज अमाउंट होगी जीरो पॉइंट फाइव एम एल तो कहाँ पर देते हैं आई एम आई एम क्या होता है मस्कुलर में देते हैं नेक्स्ट अपर आम में जो है अपर आर्म के मसल में इंजेक्ट करते हैं टैटनस वैक्सीन अगर प्रेग्नेंट लेडी को टैटनस नहीं इंजेक्शन कोई भी नहीं लगा अगर उसने लगवाए नहीं मेनाइज नहीं हुई टैटनस का कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा इफ़ वुमेन इन लेबर नॉट प्रीवियसली रिसिव टैटनस दैन देन वट कैन यू डू क्या तुम करोगे क्या कर सकती हो तो गिव टैटनस टू वूमेन इन लेबर जब उसे लेबर पेन स्टार्ट होगी तब उसे जो है वो टैटनस का इंजेक्शन हम देते हैं तो ये तब ऑप्शन होगी जबकि टैटनस उसे नहीं दिया होगा प्रेग्नेंट वुमेन लेबर में होगी तो नहीं दिया गया होगा तो उसे टैटनस का इंजेक्शन लेबर में देंगे नेक्स्ट अगेन टीपी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कार्डिनल वाइटल साइन में टी पी आर बोस टी में टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन सो ये थी मेरी आज की वीडियो आगे का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट फ्यू डेज़ में तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करें मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए नई से नई इंफॉर्मेशन डालती रहूँ